मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में आज एक युवक की संदिग्ध लाश रस्सी पर लटकी हुई मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक शहर के दयाराम चाय वाले का पुत्र नीलेश रेखवार है। बताया गया है कि मृतक नीलेश कल शाम 7 बजे अपने घर से निकला था, लेकिन जब नाबालिग युवक घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने कोतवाली थाने में उसकी शिकायत दर्ज कराई। आज सुबह पुलिस को जानकारी लगी कि एक लड़के का शव डोंगा मैदान में लटका हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मृतक युवक दयाराम का लड़का निकला। वहीं इस घटना में नाबालिग के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने मामले को आत्महत्या बताया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। आज नीलेश रेखवार नाम के लड़के ने फांसी लगाई है, फांसी लगा के सुसाइड किया, तो उसके पिता दयाराम ने रिपोर्ट की है। उसमें मर्ग कायम कर जाँच में ले लिया गया है, तो जांच में जो साक्ष्य हैं उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।